इसके लिए मैंने चिरौंजी ली है, बादाम लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, चॉप्ड अदरक, एक खोया। खोया बेसिकली जो है बाइंडिंग का काम करेगा इसमें, और एक चॉप्ड किशमिश। इसमें डालूंगा थोड़ा सा नमक, ये देखिए ऐसी गोली बन जानी चाहिए। ये मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। मैं करूंगा सबसे पहले गट्टों की तैयारी करूंगा। इसके लिए मैं लूंगा बेसन, थोड़ा सा जीरा, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये अजवाइन है, अजवाइन को मैं हाथ से ऐसे रगड़ के डालूंगा, थोड़ी सी हल्दी और ये हींग। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। दो चम्मच दही, देसी घी हम हाथ से ही ऐसे गूंदेंगे। बहुत थोड़ा पानी का यूज होगा इसके लिए। लास्ट में इसमें मैं ऊपर घी लगा दूंगा थोड़ा सा। आटा हमारा रेडी हो चुका है। 10 मिनट का इसको रेस्ट देना है मुझे। जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं गट्टे बना लेता हूँ। इस मिक्सचर को स्टफ करना है। ऐसे ही मैं सारे गट्टे बना लूंगा। ये देखिए गट्टे हमारे तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको बॉईल करूंगा। पक्के ये ऊपर आ जाएंगे और इनके ऊपर फफोंदे पड़ जाएंगे, छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद। तो इसका मतलब है कि आपका जो गट्टा है वो बनके तैयार है। ये सफ़ेदी आ गई है इसके अंदर, ये नहीं पका है, ये पक गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगा। देसी घी, और अब मैं इसको निकाल लूंगा। डालेंगे इसमें घी, इसके अंदर जाएगा एक तेज पत्ता, एक दो इलायची, एक मोटी इलायची और एक भाईजान का फूल और एक दो लौंग, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगा जीरा। साथ में डालेंगे हम हींग। अब मैं इसमें डालूंगा हरी मिर्ची और अदरक। मैं बिना प्याज और लहसुन का बना रहा हूँ। आप चाहें तो प्याज लहसुन का भी बना सकते हैं। अगर आप प्याज लहसुन मुकाबला बनाएंगे तो इसके अंदर आपको लहसुन का ऐड करना है बस, और इसको सौते करें। और अब मैं इसमें डाल दूंगा टमाटर। अब इसको भूनते टाइम ही मैं इसमें धनिया भी डाल दूंगा साथ ही में। ये जाएगा इसके अंदर सूखा धनिया, साबुत लाल मिर्ची, ये देगी मिर्च, हल्दी का पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे दही और इसको दही को हम अच्छी तरह हिलाएंगे जब तक ये बॉयल ना आ जाए इसके अंदर, ताकि दही हमारा फटे ना। क्या गजब की खुशबू आ रही है इससे। आप देख सकते हैं दही भी फटा नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। और मैं इसके अंदर अब डालूंगा थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगा, और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगा गट्टे। एक गट्टा मेरा टूट गया इसमें, आप देख सकते हैं। और इसको अब मैं इन गट्टों को इसी में पकाऊंगा, क्योंकि गट्टे पकेंगे इसमें ग्रेवी ऑटोमेटिकली बेसन की मदद से गाढ़ी हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी गाढ़ा करने के लिए कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगा कसूरी मेथी और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगा इसमें गट्टे का पानी जिसमें मैंने गट्टे बॉयल किए थे। 5 मिनट ढक के पकाऊंगा। ये ग्रेवी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी क्यों बेसन की मदद से। और
सब्जी हमारी बन चुकी है, हमारे गोविंद गट्टे तैयार हैं सर्व करने के लिए। गोविंद गट्टे की सब्जी जो है तैयार है सर्व करने के लिए। इसको खाइए पूड़ी के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ और मज़ा लीजिए राजस्थानी डिश का। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर।